सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे। आज दिन हो गया है फ्राइडे का और नवरात्र का दिन, दसवीं का दिन खत्म भी समाप्त हो गया है। तो अभी मैं नहा के जस्ट मंदिर से पूजा करके आ गया हूँ। अभी आप लोगों को वंदना जी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, पूजा कर रही हैं, तो दिखाते हैं। तो उधर देखा वंदना जी अब पूजा उजा कर रही हैं और मंदिर भी जाएंगे, तो मैं मंदिर से हो गया हूँ। ये घर पे पूजा कर लेती, मैं भी घर पे करता था तो काफी टाइम हो जाता था, तो मैंने इनको बोला कि आप घर पे पूजा कर लो, मैं मंदिर में करके आ जाता हूँ और काम भी जल्दी हो जाएगा, थोड़ा ड्यूटी जाने में लेट हो जाता है। तो मैं बोला कि जब तक ये पूजा कर रही तब तक मैं यहाँ पे चाय बना लेता हूँ, क्योंकि मंदिर जाएंगी, मंदिर में कम आधा घंटा लगेगा, फिर आएंगे, फिर चाय बनाएंगे, 10-15 मिनट उसमें चला जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं दूध पहले उसको गर्म कर रहा हूँ, उसके बाद सबके लिए गर्म गर्म चाय बना के मैं पी के फिर निकल जाऊँगा। पहले देख सकते हैं यहाँ पे हलवा पूरी रखा हुआ है, पहले नाश्ता पानी पी लेते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गर्मा गर्म चाय, और कल वंदना जी ने रात में इडली भी बनाया था, इडली और चाय नाश्ता कर लिया, पेट एकदम भर गया है। अब तो बस लग रहा है कि आराम करो, लेकिन क्या करें, काम भी बहुत जरूरी है, काम भी हर कम नहीं कह रहे और लोग, इतने में पेट भर गया। नहीं जी अब कुछ नहीं चाहिए, तो देख सकते हैं खा चुका हूँ मैं, तो मिलते हैं कुछ देर बाद। चाय नाश्ता करने के बाद टाइम हो गया है अब ड्यूटी जाने का, तो देख सकते हैं वंदना जी यहाँ गेट तक आई हैं छोड़ने के लिए, और चलते हैं। गर्मी भी बहुत बढ़ गई है दिल्ली में यार, गर्मी ऐसा लग रहा है बस एसी में एक घंटा रेस्ट कर, फिर मौसम भी ऐसा हो रहा है, कभी गर्मी कभी ठंडी, कभी धूप कभी छांव, कभी प्रभु का माया तो कभी मोह माया। भगवान ये तेरी कैसी माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। तो चलते हैं वंदना, शाम को बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय वंदना जी, मिलते हैं। टॉफी दो। तो मैं अपना फोन भूल गया था, तो ऋषभ आया है मेरा ये फोन देने के लिए, और बोला कि पापा अपना फोन भूल गए। हम कहा हाँ, तो नीचे निशब आए हैं देने के लिए, जाओ जाओ बोल रहे टॉफी उफी दिला दो, अभी मम्मी दिलाई थी ना। अरे तुम्हारे पास टॉफी है वही। मेरे पास नहीं है, है। मेरे पास जैसे दुकान खुला हुआ है, नहीं है। जाओ जाओ नहीं जाओ, मंच ले लो, जाओ जाओ उनसे बोल दो एक मंच दे दो, जाओ जाओ। अब ऊपर कहाँ जा रहे हो, वहाँ जाओ। तो जस्ट मैं अभी अभी घर पे पहुंचा हूँ, घड़ी में 9:30 बज चुके हैं, और आते ही पता चला है ऋषभ का, ऋषभ नहीं जी 9 बज रहा है, 9 बज रहा है, मैं 9:30 बोला तो ये 8:30 बोल रही, फिर मैंने बोला 9, तो दिखा देते हैं, देख सकते हैं 8:58, 2 मिनट बाकी है। तो मैं अभी अभी आया हूँ, तो ऋषभ कह रहा है कि चाचा आ रहे हैं, कौन मौसी आ रही है, कौन मौसी, तुम्हारी मौसी आ रही है, कौन मौसी। तो वंदना जी यहाँ पोछा ओछा मार रहे हैं, इनकी देवर देवरान, फालतू की बात है ना, ये सब मत बोला कर, हमको अच्छा नहीं लगता है। तो क्या बहन बोलू, ये नहीं तो ऐसे देवर, ये क्या बात हुई देवर देना, अपना भी रिश्ता जोड़ा करो, अपना भी तो रिश्ता जोड़ो, हमको फालतू बातें अच्छी नहीं लगती है किसी की। ये फालतू की बात है, और फिर सब पानी पिया गिर गया तो पोछ दे रहा है बाबू है, पैर फिसल, हटवा चलो आ गए तो कैमरे उठा लेते हो, और काम धाम नहीं करते। इनको ये बुरा लगता है कि हम आते हैं तो इनका क्यों नहीं शूट करते, हमें नहीं लगता है, मेरा मत शूट करो, हमें नहीं बुरा लगता, हम तो फालतू की बात, ये सोचती है कि मेरे मोबाइल से मेरा शूट करें, नहीं हम नहीं सोचते, हमको कहना तो करते हैं, वैसे थोड़ा ना करते हैं, यही तो, और क्यों बुरा लगता है तुम्हें, जो बोलते थे अपना भी तो रिश्ता जोड़ सकते हो, अपना रिश्ता क्यों नहीं जोड़ते हो, अपना जोड़ने में तुमको शर्म आता है क्या, मुझे लोग, मैं कम फेमस हूँ ना, लोग तुम्हें ज्यादा जानते हैं, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, फालतू बातें अच्छी नहीं लगती है, देवर देवरान तुम्हारे नहीं है, लोगों को बताना क्या, लोग जानते नहीं है क्या, लोगों को पहली बार लग रहा है कि तुम ब्लॉग बना रहे हो, तो इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है, हमारे बाप को गुस्सा लग रहा है, ये भगवान मैंने गलत क्या बोल दिया, कुछ नहीं कहा, अब शांत रहो, जाओ डॉक्टर मेरे से हटाओ, ऐसे कौन कुछ, देखो यहाँ आगे खड़ी होके देख रहे हैं, नहीं खड़े होने के लिए पैसा लगेगा क्या, इंतजार कर रहे हैं कि कहाँ, इंतजार क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि नीचे वाला एसी ऑन कर रखा है, मेरा पेड़ सूख जा रहा है, वही देख रहे हैं, वही हम सोच रहे हैं, क्योंकि इतना सूखा सूखा नहीं लगता था, पूरा भाप सीधे ऊपर आ रहा है, जब ये अभी कपड़ा धो के डाले, अभी ऐसे लग रहा है कि बहुत थोड़ा धूप में सूख रहा है ये,
अभी अभी जैसे नहीं चल रहा था, एकदम खिला खिला पेड़ था, अभी तुरंत ही मुरझा गया। अब यहाँ से पेड़ हटा के उधर रखेंगे, उधर तब हटा दो ना इसी। अभी कहाँ हटाए, टाइम तो हो, सुबह हटाएंगे, शाम को पेड़ नहीं हटाते हैं। देखो यहाँ खड़े रहो, कैसा भाप मार रहा है, तो बड़ा पेड़ है, जब इंसान सूख जा रहा है पेड़ की बातें छोड़ो। और यहाँ देखो दोनों बच्चे हमारे फोन में लगे हुए हैं, इनको कुछ काम धंधा है नहीं, इन्हें कल भी स्कूल है, मत जाना। नहीं जाऊंगी कल। क्या करोगी पढ़ के? जाऊंगी ना कल, हाँ वो है। क्या है? अरे फंक्शन नहीं, कल स्कूल है तो जाऊंगी नहीं। तो क्या करोगी पढ़ के? यूट्यूबर ही तो बनना है। मुझे नहीं बनना यूट्यूबर से, यूट्यूबर फालतू टाइम, भले मैं इंस्टाग्राम पर, लेकिन यूट्यूबर से यूट्यूबर नहीं। अच्छा इंस्टाग्राम चलाओगी? हाँ। तब जाने तो मत पढ़ो ना। एनी प्रॉब्लम, मैं पढ़ रही, मैं अपना मार्क्स देख रही, मैं फोन चला रही, तो आप लोग को क्या दिक्कत है? मैं आज बोल दे रही, चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, मैं मुंह पे ही बोलती हूँ। क्या मुंह पे बोलती हो? यहाँ देखो इनसे पूछते हैं, ये देखो मोबाइल चला रहे हैं। क्या करोगे पढ़ के? बताओ पढ़ के क्या बनोगे, पढ़ लिख के क्या बनोगे बताओ? ऑफिसर। मोबाइल का ऑफिसर? क्या लिखा है? सोनाक्षी कुत्ती। सोनाक्षी कुत्ती कुत्ती। आज यही सब वीडियो डालूंगा मैं कि हमारे घर में आज क्या होता है, देख लीजिए आप। देखो तुम्हारे चाचा इतने पढ़े हैं यूट्यूबर है, तुम्हारी मौसी इतना पढ़ी यूट्यूबर, तुम्हारे विनय मामा इतना पढ़े यूट्यूबर, तुम्हारी कोमल मामी इतना पढ़ी यूट्यूबर, तुम्हारे दीपक मामा इतना पढ़े यूट्यूबर, तुम्हारी पिंकी मौसी इतना पढ़ी यूट्यूबर, तुम्हारी मम्मी खुद पढ़ी यूट्यूबर, तो टीचर बनी थी, पार्लर सीखी थी, ये नहीं देखा जा रहा। और तुम्हारे पापा कम पढ़े यूट्यूबर? पापा तो 10वीं तक पढ़े हैं। तो तुम भी यूट्यूबर बन जाओ, इसमें करना क्या है? मैं ना बन रही, बस मैं, मुझे बस इंस्टाग्राम चाहिए। तुम्हारी बड़ी मम्मी को तो भूल गए, तुम्हारी बड़ी मम्मी यूट्यूबर, वो भी पढ़ी लिखी बहुत। पढ़ लिख के फायदा कुछ है नहीं, यूट्यूबर ही बनना है, सोच लो। भाई मुझे पढ़ना भी है और यूट्यूबर नहीं बनना। फिर क्या बनना है? मुझे कुछ बनना होगा तो मैं आगे चल के देखूंगी, बस मुझे इंस्टाग्राम चलाने का शौक है, मतलब ऐसे कभी कभार। आगे चल के देखोगी तो दो चार कदम चल लो, देख लो। चलो हाँ चल के देख। 1 2 3 हो गया, चल लिया। हाँ क्या बनोगे, सोच ली? क्या मैं बनूंगी? इसका कान देखो कितना बड़ा, जैसे कि मंकी का। मैं बनूंगी क्या? अभी नहीं बता। पापा ये बताओ, चालू है इसके मन में आया है कि वो कूड़ा उठाने वाली बनू। आप सब भी देख लिए हमारे घर की सच्चाई, हमारे घर में लोग बच्चे बड़े बुजुर्ग सब क्या बोलते हैं, कौन क्या बनना चाहता है, कोई क्या। ये देख लो ऋषभ, यही सब शिक्षा है इन लोगों, कितना भी अच्छा शिक्षा दे दो, लेकिन हमारे स्कूल में ऐसा ही होता है। ये देखो कितना कपड़ा छपा है, देख रहे कैसे कपड़ों गीला है इसका, पानी गिरा हुआ है, पोंछ रहे थे इसके कपड़ों से, पोंछ रही थी। इनको और गुस्सा दिलाते जा, तुम्हारी मौसी आ भी गई। कहाँ है? सब्जी का नहीं 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 छी छी क्या नेनुआ। इधर अमित पिट्टो आ गए हैं, ऋषभ पहुंच गया है, अब मुझे जाके गाड़ी लगवानी पड़ेगी क्योंकि उसकी जगह है नहीं, सब गाड़ियाँ लगी हुई है। ऋतिक देखो आ गया है, क्रिकेट क्रिकेट ओ बुला रहे, भेज दो गाड़ी लगा ले। जूली ओ जूली, जूली रेड हार्ट, किट्टे रेड हार्ट का, ये तो तुम्हारा कपड़ा पहनी है क्या जूली? और क्या, ऐसा ही लग रहा है मेरा ही है, हमारी हो। क्या हो जूली? तो इधर गुन्ना आ गया है मेरी गोद में,
थोड़ा लाइट कम है तो अंधेरा आ रहा है। सब लोग यहाँ बैठ गए हैं, जूली भी आ चुकी है अपने कुर्बान में। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यहीं से वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं। जो हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।